हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। 28 मार्च शाम के 7 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड लेके। दिस इज एपिसोड नंबर 229। तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज का हमारा सबसे पहला अपडेट है रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की रामायण मूवी से, जहां फिर एक बार मूवी के कास्टिंग रूमर्स आने लगे हैं। जहां कुछ दिनों पहले ही हमने मूवी से लक्ष्मण जी के किरदार के बारे में आपको कास्टिंग अपडेट दी थी, वहीं अब बताया जा रहा है कि रामायण मूवी की कास्ट को साक्षी तन्वर ने ज्वाइन कर लिया है, वो भी रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार के लिए। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग वो रिसेंटली मूवी के स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस के अंदर टीम के साथ ही थी। इसके अलावा रामायण के अंदर कौशल्या जी यानी कि राम जी की माँ का किरदार करने वाली एक्ट्रेस को भी फाइनल कर लिया गया है। रूमर्स के अकॉर्डिंग माता कौशल्या के किरदार के लिए एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन को कास्ट किया गया है। इन कास्टिंग रूमर्स के अलावा हमारे सामने एक फोटो भी आई है जिसमे रणबीर कपूर हमें अपने आर्चरी कोच के साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने मूवी के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जो कि काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट है डायरेक्टर नाग अश्विन और प्रभास की कल की 2898 AD मूवी से, जहां कहा जा रहा है कि मूवी पोस्टपोन हो चुकी है। हालांकि ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन रिलीज के सिर्फ 40 दिन बचे हैं भाई, और कोई भी प्रमोशंस नहीं किए जा रहे हैं मूवी को लेकर। रूमर्स के अकॉर्डिंग मूवी को जुलाई के 3rd वीक और अगस्त के 1st वीक के बीच में रिलीज किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो इसको आप कंफर्म मत समझ लेना। वहीं कल्कि के राइट्स की भी डील हो चुकी है, जहां मूवी के थिएट्रिकल राइट्स, डिजिटल राइट्स एंड सैटेलाइट राइट्स सभी को मिलाकर अप्रोक्स 400 से 450 करोड़ के अमाउंट में डील क्लोज हुई है। अब इन सभी राइट्स के एग्जैक्ट नंबर्स क्या है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेंगे। अगली अपडेट है रेबल स्टार प्रभास से रिलेटेड, जहां काफी समय पहले से ये रूमर्स चल रहे थे कि लोकेश कनगराज और प्रभास की एक मूवी आने वाली है, और इसके बारे में लोकेश कनगराज ने भी एक इंटरव्यू के अंदर बताया था। तो मैत्री मूवी मेकर्स के अंदर बनने वाली इस मूवी को शेड्यूलिंग के प्रॉब्लम की वजह से होल्ड पर रख दिया गया है, क्योंकि लोकेश कनगराज ऑलरेडी काफी बिजी है, जहां वो 3 मूवीज के लिए ऑलरेडी कमिटेड है। सुपरस्टार रजनीकांत के साथ थलाइवर 171, उसके बाद कार्थी के साथ कैथी 2, और फिर कमल हसन सर के साथ विक्रम 2, और इन तीनों मूवीज के बाद ही प्रभास वाली इस मूवी के ऊपर काम शुरू होगा। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगली खबर है मेगा स्टार रामचरण से रिलेटेड, जहां कल उनका बर्थडे था, तो भाई उनकी मूवीज की भर भर के अपडेट्स और न्यूज मिली है। सबसे पहले बात करें तो भाई गेम चेंजर मूवी का पहला सॉन्ग ड्रॉप हो चुका है, जिसको 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल और तेलुगु। इस सॉन्ग के अंदर हमें रामचरण के साथ साथ कियारा आडवाणी भी दिखी। इसके अलावा गेम चेंजर मूवी से कुछ अपडेट्स है, जहां मूवी के प्रोड्यूसर दिल राजू ने रिवील किया कि मूवी के कुछ पार्ट्स की शूटिंग बाकी है, जो कि अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि मूवी के अंदर 5 गाने होंगे, जिनको डायरेक्टर शंकर ने बहुत ही ग्रैंड और यूनिक बनाया है। साथ ही गेम चेंजर की रिलीज डेट के बारे में उन्होंने बताया कि मूवी को अगले 4 से 5 महीनों के अंदर रिलीज किया जाएगा। इसके बाद रामचरण की RC16 से भी एक पोस्टर ड्रॉप किया गया है। अब इस पोस्टर में रामचरण की सारी मूवीज के पोस्टर मेंशनड थे। इसके अलावा RC16 मूवी के डायरेक्टर बूची बाबू ने रिवील किया कि मूवी के 3 सॉन्ग ऑलरेडी कंपोज हो चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है कार्तिक आर्यन और कबीर खान की मूवी चंदू चैंपियंस, जहां मूवी से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि कार्तिक आर्यन ने इस मूवी के लिए 14 महीने इंटेंस ट्रेनिंग की थी। साथ ही उस रोल के अंदर फिट बैठने के लिए उन्होंने 20 किलो वेट लूज किया था। मेहनत तो काफी की है भाई ने। बाकी मूवी रिलीज होने वाली है 14 जून को। इसके अलावा अजय देवगन की मैदान मूवी को फाइनली सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है यूज सर्टिफिकेट के साथ। साथ ही मूवी का रन टाइम होगा 182 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे और 2 मिनट्स का। मैदान मूवी की एडवांस बुकिंग 2 अप्रैल से चालू होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है थलापति विजय की लास्ट मूवी से, यानी कि थलापति 69 से, जहां पहले भी हमने आपको बताया था कि इस मूवी के लिए डायरेक्टर एच विनोद काफी ज्यादा रूमर्स में है, और स्पेकुलेशंस तो यही है कि एच विनोद ही थलापति 69 को डायरेक्ट करेंगे। तो अब ये न्यूज आ रही है कि मूवी के लिए एच विनोद एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जहां मूवी पॉलिटिक्स पर फोकस करेगी, जो कि समझ में भी आता है, क्योंकि ये थलापति विजय की आखिरी मूवी है और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल फिल्म करना उनके करियर के लिए बढ़िया होगा। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। अगली अपडेट आ रही है कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूलभुलैया 3 मूवी से, जहां अगर आप हमारे हर वीडियो को रेगुलरली देखते हो तो आपको पहले से ही पता होगा कि भूलभुलैया 3 की शूटिंग चालू है भाई। तो मूवी के सेट से कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी ने एक BTS फोटो शेयर की है, जिसमें हमें दोनों का आधा फेस दिख रहा है, और इसी के साथ उन्होंने भूलभुलैया 3 के फर्स्ट शेड्यूल को रैप अप कर लिया है। और आज की अपनी लास्ट अपडेट बहुत ही मजेदार है। तो भाई ऐसा है कि इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जहां संदीप रेड्डी वांगा की मूवी एनिमल के क्लिप्स पर रणबीर कपूर के कैरेक्टर को डीप फेक करके SRK से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि कुछ सीन्स के अंदर काफी सॉलिड भी लग रहा है। और इसको देखकर ऑडियंस डिमांड भी कर रही है कि भाई एनिमल पार्क के अंदर शाहरुख खान को भी लिया जाए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई जाके देखना और आपके ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता
लगता है यार। बाकी मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे। दिस इज जैस, यू आर वॉचिंग जस्ट एक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।